कैसे होना चाहिए जिससे हमें कभी भी धन की कमी ना हो। और ये चीजें बहुत मैटर करती है जब हम लोग वास्तु में देखते हैं, जब हम लोग इतने लाखों रुपए के अपना नग पहन लेते हैं। क्यों? आप जैसे पुखराज पहन लेते हैं गुरु को उठाने के लिए, है ना, और नीलम पहन लेते हैं अपना ये शनि को उठाने के लिए। तो अब एक बात बताओ, जो चीज़ आप कैरी कर रहे हो उस चीज़ की भी तो वाइब्रेशन होगी कि नहीं होगी? और ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके न्यूमरोलॉजी, आपके नंबर के हिसाब से, आपके जन्म तिथि के हिसाब से आपको कौन से कलर का पर्स लेना चाहिए, रखना चाहिए अपने पास, सो दैट उसमें कभी धन की कमी ना हो, कभी कर्जे की नौबत ना हो। और उसके साथ साथ एक दो आपको वास्तु टिप भी दूंगी जबरदस्त वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बता देती हूँ, चलो हम इस चीज की शुरुआत कर ही लेते हैं। नॉर्थ में अगर तो टॉयलेट होगा, साउथ ईस्ट, नॉर्थ एरिया किसका होता है? नॉर्थ एरिया होता है फाइनेंसिस का। साउथ ईस्ट एरिया किसका होता है? वो भी होता है फाइनेंसिस का। नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। अब अपॉर्चुनिटी आएगी पैसे कमाने की, बंदा तभी पैसा कमाएगा। पैसा कैसे कमाएगा? उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, वो तभी उसको कन्वर्ट करके उसका सपोर्ट लेके वो पैसा कमाएगा। अब साउथ ईस्ट एरिया जो होता है वो होता है फाइनेंसिस का। कौन आता जाता है ना, तो मेरे को थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, साउथ ईस्ट एरिया जो होता है वो भी होता है फाइनेंसिस का। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कितने लोग होते हैं, जैसे है ना, कोई भी जब कंसल्टेशन कर रही होती है तो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं ना, फिर बोलते हैं कि शैन्य जी पैसा तो आता है। अब जैसे पत्री देख ली, पत्री एकदम जबरदस्त, उसमें तो पैसे की तंगी कभी दिखती ही नहीं बिल्कुल, है ना। ये मैंने कल ही एक कंसल्टेशन करी थी, मैं उनकी बात बता रही हूँ। और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे मोस्टली दिन में ऐसे कंसल्टेशंस होती हैं जिनको सेम प्रॉब्लम आती है कि पैसा आता है लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता उनसे? क्योंकि आप इंसान के हालातों से बता सकते हो कि उसके घर के हालात, उसके घर में वास्तु कैसा है। तो उनसे मैंने पूछा, आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट है? उन्होंने कहा हाँ जी है। तो अब देख लो क्या हो गया, पैसा आ रहा है क्यों? क्योंकि पत्री दे रहा है। कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि वास्तु गड़बड़ है। ठीक है कि नहीं है? तो इसका भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी आगे जाकर। पहले मैं बता देती हूँ, नंबर वन, जिनका भी बर्थडे वन को आता है, जितने जिनका नंबर 28 को आता है, जिनका बर्थडे 19 तारीख को आता है, मतलब आपने अपना बर्थ डेट देखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब वन जिनका आया, जैसे 19 आया, 28 आया, तो आपको कौन से कलर का पर्स लेना है? आपको रेड कलर का पर्स लेना है। इसमें एक 10 रुपए का एक का नोट खड़ा करके, है ना, ऐसे मुचोड़ के नहीं, ये आपने परमानेंटली अपने पर्स में रखना है। और एक छोटा सा तांबे का टुकड़ा, ये भी आपने अपने पर्स में परमानेंटली रखना है। सही बात है? इससे आप देखोगे आपके जो आपका जो पैसे की कमी है, आपका पर्स कभी खाली रहेगा नहीं, काम भी करना पड़ेगा। पता चले लाल कलर का पर्स लेकर बैठ गया और बोल दिया हाँ जी वो वीडियो में सुना था, काम नहीं करना। ऐसे ऐसे काम नहीं चलते, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा पाशा लोगों। अच्छा, दूसरी चीज, जिनका भी बर्थडे सेकंड को आता है, 29th को आता है, 11th को आता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 1+1 कितना हुआ 2, तो जिनका भी बर्थडे, जिनका साइकी नंबर, इसको साइकी नंबर बोला जाता है, जिनका भी 2 बनता है, आपने कौन से कलर का पर्स लेना है? आपने व्हाइट कलर का पर्स लेना है। उसमें 10 रुपए के 2 नोट रखने हैं और एक छोटा सा अगर आप चांदी का सिक्का रख सको या फिर चंदन का छोटा सा टुकड़ा अगर रख सको तो एकदम कमाल धमाल वाली बात है। ये चीज आपने करनी है। तीसरा नंबर जो हम लेंगे, तीसरा जिनका भी बर्थडे 3rd को होता है, जैसे मेरा है ना, 3rd को होता है, 21 को होता है, और आप गिन लो ना कैसे, मतलब 12th को हो गया, 30th को हो गया, तो जिनका भी साइकिन नंबर 3 है, तो आप कौन से कलर का पर्स? आप येलो कलर का पर्स लोगे या मस्टर्ड कलर का पर्स लोगे? उसमें 10 रुपए के 3 नोट रखोगे और एक पेपर पे अगर थोड़ा सा हल्दी करके, उसको हल्दी से रंग कर अगर आपने पर्स में अपने रख दिया तो एकदम अल्टीमेट वाली बात हो जाएगी। आप देखोगे ये चीज, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं भाई। एक पुखराज, लाखों का पुखराज
पैसा मतलब ऐसा दे दोगे हैं एस्ट्रोलॉजरों को, जो सही तरीके से जो चीज है उसमें बोलगुल्ला है, इसमें क्या है, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है फिर, है ना। ये चीज हो गई। 4 नंबर, 13 नंबर और कौन सा हुआ है ना, तो जिनका टोटल 4 आता है, साइकी से बर्थ डेट की बात कर रही हूँ, डेस्टिनी नंबर की बात नहीं कर रही, है ना। तो जिनका वो आता है तो आप क्या कौन से रंग का पर्स लोगे, आपने लेना है भूरे रंग का, भूरे रंग का पर्स लोगे, 10 रुपए के 4 नोट उसमें परमानेंटली रखोगे और थोड़ा सा चंदन का इतर बीच में अगर आप छिड़क दो, और भूरे रंग का, और भूरे रंग का अगर आप एक पेपर कागज परमानेंटली उसके अंदर रख दो तो आप देखोगे आपकी धन की कमी आहिस्ते आहिस्ते कट दी जाएगी, जो फजूल खर्ची। देखो भाई पैसा आता है कहाँ, टिकता नहीं है, जो लोगों की तंगी होती है ये चीजें उस चीज पे वर्क करेगा और 100% वर्क करेगा। अब हम आते बुध पे। अब जिनका भी 5 है, जिनका भी 14 है, जिनका भी क्या और आप लगा लो, है ना, टोटल जिनका 5 बनता है, जैसे अपना 14 हो गया, 5 नंबर वाले हो गए, तो जिनका भी इस सीरीज में 5 टोटल नंबर 5 बनता है, तो आप कौन से कलर का पर्स यूज करोगे, आपने हरे रंग का पर्स यूज करना है। मैं थोड़ा डेट के साथ कंफ्यूज हो गई थी, हरे रंग का पर्स यूज करोगे, उसमें 5 नोट 10 रुपए के परमानेंटली रखोगे। एक चीज और आपको बता देती हूँ, उसमें एक हरा कलर का पेपर भी अगर आप परमानेंटली रख सको तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको एक विधारा की जड़ आती है, एक आपको और भी चीज जबरदस्ती बताती हूँ, एक विधारा की जड़ अगर आप हरे कलर के धागे में पिरो कर अपने गले में बांध लेते हो, ओहो जबरदस्त है, ये भी चीज बहुत जबरदस्त वे से काम करेगी। अब आपको बता देती हूँ जिनका 6 नंबर, 6 को बर्थडे आता है, 15 को बर्थडे आता है, 24 को बर्थडे आता है, तो आप कौन से कलर का पर्स यूज करोगे, आपने जो चमकीला व्हाइट कलर का होता है वो अगर आप अपना एज अ पर्स यूज करते हो और उसमें 6 नोट 10-10 रुपए के परमानेंटली रखते हो, निचोड़ना नहीं है, वो जो ऐसे करके रख देते हम वैसे करके नहीं रखना, और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा अगर आप रखते हो तो ये जबरदस्त वैसे काम करेगा। परफ्यूम छिड़क दिया करो, परफ्यूम लगाया करो, इससे भी बहुत अच्छा चीजें है ना। वैसे एक आपको बात बता देती हूँ, जिनका टोटल नंबर डेस्टिनी भी बनता है, जैसे फर्स्ट मार्च 1 3 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3, जैसे 1 मार्च 1993, उसके बेसिस पे कर सकते हो। वैसे अभी जो मैंने आपको बताया आप उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, जो साइकी नंबर है आप उस पे ही जाना, डेस्टिनी नंबर से आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी, अगली वीडियो में नहीं अगली बार बताऊंगी, है ना। ये चीज हो गई। अच्छा 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर वाले कौन सा पर्स यूज करेंगे, है ना, जो भी 7 की सीरीज में आता है, आपने कौन सा पर्स यूज करना है, आपने सतरंगी कलर का पर्स यूज करना है। सतरंगी कलर का पर्स यूज करो, उसमें नारंगी कलर का पेपर डालो, 10 रुपए के 7 नोट परमानेंटली डालो, आप देखोगे इससे भी आपका गुड लक आएगा, इससे भी ये पर्स आपके लिए लकी साबित हो जाएगा। अगर आपका बर्थडे 8 तारीख को आता है, अगर आपका बर्थडे 17 को आता है या जो भी 26 तारीख को आता है, तो कौन सा पर्स यूज करोगे, काला या भूरा, सॉरी नीला, काला या नीला रंग का पर्स आप यूज करोगे, उसमें नारंगी कलर का पेपर आप अगर आप रखते हो, ये नीला कलर का, ब्लैक कलर का अगर आप पेपर परमानेंटली रखते हो तो ये भी आपके लिए बहुत जबरदस्त वैसे है ना काम करेगा। एक और चीज आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा केसर भी उसमें आप रख दोगे तो ये क्या है, जो आपके पैसे अटकते हैं वो भी इसका द्वार कहते हैं ना, इसके जो पॉसिबिलिटीज हैं ये सब खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर जिसका बर्थडे 9 तारीख को आता है तो आप कौन सा पर्स यूज करोगे, आपने नीले कलर का पर्स यूज करना है, नारंगी कलर का पर्स यूज कर सकते हो, नारंगी कलर का पेपर उसके अंदर आपने डालना है, ये आप करोगे अगर आप ये करते हो, और छोटा सा तांबे का टुकड़ा अगर उसमें आप पर्स में रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा। आपको एक और चीज बता देती हूँ, अब जैसे बात आती है, आप ये पर्स तो हमें पता है हमने पर्स रख लिया, अब अगर आपका नॉर्थ में टॉयलेट है, अगर आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप क्या करोगे, क्योंकि भाई पर्स तो हमने रख लिया लेकिन ये जो एक मेजर वास्तु दोष है उसका क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हाई फाइनेंसिस का, और ये चीजें जैसे कुंडली मैटर करती है वैसे वास्तु भी बहुत हद तक मैटर करता है। तो अब आपको एक चीज बता देती हूँ, नॉर्थ में अगर आपका टॉयलेट है
वाला सच्ची में खराब हो ही जाते हैं बीच बीच में। अच्छा, अगर आपका नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ में टॉयलेट अगर है, जो डब्ल्यू सी है, जो पॉट होता है वहां पर, उसमें उसके साइड में, जैसे ये है साइड में, तीन साइड हरी पट्टी 2 इंच की लगा दो। अगर आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, जो फाइनेंसिस का है, वही बात हो जाती है ना यार, पैसा आता है कहां जाता है पता नहीं चलता, क्या कहां जाता है फ्लश कर देते हो, क्यों वाइब्रेशन, वो है वो जोन है उसका, वो आपका फ्लश हो गया, क्या करोगे। अब एक चीज आपको बता देती हूँ, इसमें 2 चीज है, अब ध्यान से सुनना। अगर तो आपका उधर टॉयलेट है तो लाल पट्टी जो होती है 2 इंच की, वो आप लगा दो, लाल पट्टी 2 इंच की वो चीज आप लगा दो। अब एक चीज और है, अब अगर तो वो एक्सटेंडेड है, अगर तो वो एक्सटेंडेड है ना, आप समझ रहे हो, मतलब जैसे ये फ्लैट है इधर एक, ये साउथ ईस्ट एरिया बट वो एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, तो क्या करोगे। और उधर टॉयलेट है, एक्सटेंडेड पे येलो कलर की टेप लगाओगे, येलो कलर की लगाओगे, वो 2 इंच या 3 इंच चौड़ी, वो डब्ल्यू सी जो पॉट होता है उसके, है ना, डब्ल्यू सी के आसपास तीनों साइड पे वो आप लगा दोगे। आप देखोगे एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही ना, अगर एक एक्शन पॉजिटिव एक्शन है तो उस पर रिएक्शन तो होगा, 100% होगा। पाशा लोगो ये सब करो, मैं कहती हूँ एक से बंदा, सांप सीढ़ी का खेल है, लाइफ भी एक सांप सीढ़ी होती है ना, एक पे डायरेक्टली तो 100 पे नहीं जाओगे ना, बीच में तो चलोगे ना थोड़ा बहुत, जब उपाय करोगे तो सीढ़ी ऊपर जाओगे, फिर उपाय करोगे फिर सीढ़ी से ऊपर जाओगे, है ना, करते 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 ऊपर 100 तक पहुंच जाएंगे, ये एक बात गारंटी है। थोड़ी तसल्ली रखो, मेहनत करो, मन से मजबूत हो। अगर मन कई बार हार जाता है, समझ नहीं आता क्या करना है ना, अब आपको मैं खुशबू वाली उपाय, मेरे को बताना था खुशबू कैसे, उस चीज से हम लोग, है ना, फायदा कर सकते हैं, अगली वीडियो वो भी बनाऊंगी मैं। लेकिन एक चीज मैं बता देती हूँ, सूर्य को जल देते रहो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। दूसरी चीज एक बता देती हूँ, अगर मन बिल्कुल ही कई बार हार जाता है, एक तो अश्वगंधा की जड़, आज शनिवार है, अश्वगंधा की जड़ कम से कम पहन लो, अश्वगंधा की जड़ पहन लो और सफेद चंदन का टुकड़ा, घर पे कपूर जलाया करो, घर पे नमक के पोछे लगवाया करो, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट अगर कुछ मन में आया बोलूंगी ना, मेरा चैनल है, कुछ मर्जी बोलूं जब मर्जी बोलूं, आई लव यू वेरी मच, यू नो दैट, अल्टीमेट वाला यू नो दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है। चलो मैं जाती हूँ फिर, है ना, अभी कंसल्टेशन निपटानी है भाई, बहुत निपटानी है ना, और जिनको कंसल्टेशन चाहिए प्लीज आप व्हाट्सअप कर दो, मैं कॉल नहीं उठा पाती और कॉल उठाऊंगी भी नहीं यार, फीस देनी पड़ेगी, है ना भाई, काम कर रहे हैं हम भी, हमारा काम है ना, और व्हाट्सअप कर देना, है ना, जिनको कंसल्टेशन चाहिए। बाकी एक और चीज बोलनी थी, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं बोल दूं, चलो बाद में बोलती हूँ, ठीक है पाशा लोगों, अब मैं जाती हूँ। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब, आप नहीं चाहते आप मुझे देखो भाई, आप चाहते हो ना तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, लाइक करो, लाइक तो करना पड़ेगा ना, लाइक, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, मेरा भाई बोलता है वैसे क्यों बोलते हो, मैंने बोला मेरी मौज है ना, ठीक है। और डिसलाइक वालों, आई लव यू टू मच मैन, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको पारी दे दी है ना, आई लव यू वाली है कि नहीं, आप मेरे को डिसलाइक करते हो, गलत कर्मा क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हो, गलत कर दिया, ये तो गलत कर दिया, कर्मा सिर्फ करने से थोड़ा है, थॉट से भी गलत कर्मा हो जाते हैं, जल्दी से लाइक कर दो, आज मैं कहती हूँ लाइक कर ही दो, है कि नहीं, ठीक है। बाकी पाशा लोगों शेयर करो यार, शेयर इसलिए करो सभी की जिंदगी ठा हो जाए यार, जबरदस्त वाली, हर बंदा डिजर्व्स टू बी हैप्पी, हाथ धोने का, अपना ध्यान रखने का बहुत सारा वाला, आप लोग सब मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। और दूसरी चीज देखो, ये इस पीरियड में ना, इस टाइम पे एक चीज मेरे को होता है, हर इंसान, हर एक चीज बड़ी प्रेशियस होती है ना, तो टाइम के साथ साथ हर बंदे का अपने साथ एक टाइम होता है, जब तक है जितनी लिखी है ऊपर वाले ने, उस चीज का शुक्रिया अदा करो और हर एक चीज को वैल्यू करो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ओके पाशा लोगों, मैं जाती हूँ, ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।